वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं रेसिंग क्वेश्चन और डिव 2 का मार्च 2021 लंच टाइम का। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एन नाम की एक लड़की है, उसके पास एक्स यूनिट्स एनर्जी है और हर सेकंड में अगर वो दौड़ेगी तो उसकी एनर्जी प्लस 1 हो जाएगी, नहीं माइनस 1 हो जाएगी, और अगर वो रेस्ट करेगी तो उसकी एनर्जी प्लस 1 हो जाएगी, है ना। और उसको उसको एक टास्क दिया है। उसका टास्क ये है कि उसको आर मिनट्स तक रनिंग करनी है और एम मिनट्स के पहले पहले उसको सब रेस्ट वगैरह लेके अपनी एनर्जी फुलफिल, मतलब एनर्जी जीरो से ऊपर रखते हुए उसको आर मिनट्स रनिंग करनी है, और एम मिनट्स के पहले पहले उसको ये काम खत्म करना है, और हमको ये बताना है कि वो ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है ना। तो अभी हम क्वेश्चन, अभी हम अप्रोच देख लेते हैं। हाँ तो इसमें अप्रोच ये है कि जैसे एक्स यूनिट्स एनर्जी है ना, और उसको एम मिनट्स के पहले पहले, मतलब उसको सेकंड्स में ही लिख देता हूँ, और आर मिनट्स उसको चलना है, मतलब इतना इतने सेकंड उसको रन करना है ना, तो इस एनर्जी से ये करना है और रेस्ट ले सकती है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक अप्रोच मैं बताता हूँ। जैसे एक्स को पूरा खाली कर दो, x-1 तक, वहां तक उसको दौड़ाते, फिर उसके बाद वाला जो सेकेंड है, अगर जैसे x-1 जो सेकेंड है, x-1 सेकेंड तक उसको दौड़ाओ, तो उससे क्या होगा, उसकी जो एनर्जी बचेगी वो क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगी इस पॉइंट पे। और अगर उसको सिर्फ एक ही स्टेप आगे जाना है तो कोई बात नहीं, ये 1 एनर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको 2 स्टेप जाना है तो यहाँ पे रेस्ट करना पड़ेगा, उसको 2 लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 जाएगा, फिर वापस 1 जाएगा, है ना। इस टाइप से करना है, तो मतलब उसकी एनर्जी अपन ने पूरी एग्जॉस्ट कर दी, मतलब अपन उसको मैक्सिमम दौड़ा रहे, मतलब करना ये है कि अपन को उसको मैक्सिमम दौड़ाना है ना। तो उसके लिए यही सही ऑप्शन है कि सारी एनर्जी खाली कर दो, जहां तक जा सकती है उसको ले लो, फिर बाद में हर एक एक रनिंग के लिए एक एक सेकंड का रेस्ट ले लेंगे। मैंने क्या बोला, हर एक एक मिनट, 1 सेकंड की रनिंग के लिए 1 सेकंड का रेस्ट ले लेंगे बाद में, है ना। सबसे ऑप्टिमल तो यही है कि पहले जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ लो, फिर उसके बाद 1 सेकंड रेस्ट लेके एनर्जी बढ़ाओ धीरे धीरे धीरे, इस टाइप से अपन मूव करेंगे। तो जैसे x-1 यहाँ तक मैंने उसको दौड़ा दिया, अभी उसके पास 1 यूनिट एनर्जी बची है, इतने सेकंड अभी कवर हो गए, और करने कितने कवर है, इतने। तो वो अपन देख लेंगे कि अगर ये x-1 के कम से के अंदर अंदर ही हो गए तो फिर हम कह देंगे कि इतना टाइम लगा x-1, जो कि m into 60 से लेस देन है या ग्रेटर देन है वो चेक कर लेंगे, और इससे ज्यादा टाइम लगता है तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। x-1 तो अपन ने सेकेंड्स कवर कर लिया, अभी बाकी कितने हैं, 60 into r - x+1, इतने सेकेंड्स बाकी है, और इतने हर सेकेंड के लिए, इतने सेकेंड्स के लिए क्या हो रहा है, डबल डबल चीजें लग रही है, जैसे into 2 हो रहा है। क्यों, क्यों? क्योंकि अब जो भी डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए 1 सेकंड का रेस्ट चाहिए और फिर 1 सेकंड रनिंग चाहिए, तो मतलब 2 सेकंड में 1 सेकंड की रनिंग हो रही है अभी, है ना, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो अभी जितने भी डिस्टेंस, जितने भी रनिंग का टाइम बाकी है उसको मेरे को into 2 कर देना चाहिए, उसको into 2 कर दूंगा तभी सही होगा वो, ताकि उसको into 2, मतलब क्यों, क्योंकि 1 सेकंड का रेस्ट चाहिए और 1 सेकंड की रनिंग चाहिए, तभी वो जो एनर्जी है वो सही रहेगी और तभी वो रन कर पाएगी। तो हर 1 सेकंड दौड़ने के लिए उसको 1 सेकंड रेस्ट भी करना पड़ेगा, तो कितने सेकंड दौड़ने बचे में, into 2, इतने सेकंड उसको और लग जाएंगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। फिर अपन देख लेंगे वो लेस देन इक्वल टू एम है या नहीं है। कुछ लोग को अभी थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो या कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए एक बार मैं कोड भी दिखा देता हूँ, ऐसे अपन कोड भी देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोड में बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही, जैसे अगर रनिंग टाइम है जो है इतने टाइम उसको रन करना है, वो खुद ही अगर एम से ज्यादा है, एम से ज्यादा है मतलब जितना टाइम के अंदर अंदर रनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। आर जैसे 10 मिनट हमको रनिंग करनी है और 5 मिनट के अंदर अंदर हमको काम पूरा करना है, ये दोनों कैसे हो सकता है, मतलब 10 मिनट के अंदर रनिंग जब आप बोल रहे हो तो 10 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे ही ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो प्रिंट कर दिया। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, अगर आर को मैं r into 60, मतलब सेकेंड्स के अंदर ही चल रहे अपन, वो मैंने कहा था ना ध्यान रखना, इसलिए अब अपन ये देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू r है या नहीं। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू r है, मतलब वो डायरेक्ट मैंने बोला कि सारी एनर्जी खर्च कर दो, काम हो गया अपना, है ना, ये बात हो गई। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि थोड़ा और x, सिर्फ x यूनिट्स एनर्जी से काम नहीं बनेगा, तो देखते हैं फिर अपन क्या करते हैं। तो अपन ऐसा करेंगे कि और कितने की जरूरत है, x तो हम चल लेंगे, x के अलावा कितने की जरूरत है, उसके अलावा जितने की भी जरूरत है उसको into 2 कर देंगे, उसको into 2 इसलिए क्योंकि उसके बाद का जो भी डिस्टेंस है हर एक के लिए अपन को दो दो चीज चाहिएगी, दो दो चीज मतलब 2 सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड का रेस्ट, 1 सेकंड की रनिंग, उसके बाद r-x, मतलब बचा हुआ जो डिस्टेंस है उसके लिए हर के लिए दो दो सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड रेस्ट, 1 सेकंड रनिंग, क्योंकि
क्योंकि ताकि अपनी एनर्जी जीरो ना हो जाए, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एक्स तो पहले लगी गया है प्लस 2 × r − x, वो जो मैंने 1 वगैरह वो बताया था उससे आप जैसे वो एडजस्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। हाँ तो एक्स प्लस 2 × r − x टोटल वक्त इतना लगेगा कम से कम उसको अपनी जो टास्क दिया हुआ है उसको पूरा करने में। तो इतना टाइम अगर लेस देन इक्वल टू m है तो अपन कह देंगे हाँ वो कर लेगी m से कम टाइम में, नहीं है तो अपन नो कर देंगे। सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।